गृह मंत्री अमित शाह बीएसएफ के विशेष विमान से शनिवार सुबह 9:30 बजे जैसलमेर के तनोट माता मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, सीमा सुरक्षा बल के डीजी पंकज सिंह व अन्य नेता अधिकारी भी उनके साथ रहे। शाह 2 दिवसीय दौरे पर राजस्थान आए हैं। शाह ने विजय स्तंभ पर 1971 भारत पाक युद्ध के शहीदों को फूल भेंट कर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। यहां पर वह 17.67 करोड़ रुपए से होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इसके बाद करीब 10:30 बजे वे एयरफोर्स के विशेष विमान से जोधपुर के लिए रवाना हुए। केंद्रीय गृह मंत्री दूसरी बार तनोट मंदिर आए हैं। बीएसएफ ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इससे पहले वह दिसंबर 2021 को यहां आए थे तथा रात्रि विश्राम सरहद पर ही किया था। इस बार उन्होंने तनोट मंदिर परिसर में पर्यटन विकास केंद्र की आधारशिला रखी। इसके बाद वहीं से सुबह 10:35 पर हेलीकॉप्टर से एयरफोर्स स्टेशन जैसलमेर रवाना हुए। यहां से सुबह 11:10 पे फ्लाइट से जोधपुर के लिए निकल गए। जोधपुर में शाह पार्टी की मीटिंग में शामिल होंगे। जैसलमेर में भारत पाक सरहद पर बने तनोट माता मंदिर के लिए राज्य सरकार ने प्रस्ताव पर पर्यटन मंत्रालय द्वारा 17.67 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। यहां आने वाले टूरिस्ट को बीएसएफ की ओर से डॉक्यूमेंट्री के साथ हथियार प्रदर्शनी और फोटो गैलरी आदि लगाई जाएगी।